बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। बारिश में तो सबका मन झूम उठा, क्योंकि बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। और यहाँ मैं भी सुबह जग गई थी और फूल तोड़ के लाई, उसके बाद से पूजा कर ली, दीपक और अगरबत्ती सब मैं जला उला के उसके बाद से मैंने बारिश का लुत्फ़ लिया। तो देखिए आप लोग भी बारिश का लुत्फ़ लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद भीषण गर्मी के बाद बारिश का ये मौसम इतना सुहावना लग रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। और ये देखिए पानी ही पानी, एकदम मन झूम उठा। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि क्या बताऊँ, गर्मी का नामो निशान नहीं था। और उसके बाद से बारिश के पानी के बाद देखिए क्या हो गया है मेरे घर का हाल। घर के आगे पीछे हर एक जगह पानी ही पानी इकट्ठा हो गया है, और बेसमेंट जो है नीचे वो उसमें भी पानी देखिए बहुत सारा लग गया है, क्योंकि सारा पानी अभी इसी में बह के आ रहा है। नीचे से भी पीछे जो मकान के पीछे जो खेत है वहाँ भी पानी पूरे लबालब भर गए हैं, और सारे पानी यहाँ भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और फिर बारिश शुरू हो गई है, और ये लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के, क्योंकि एक बार में खूब सारा इंद्र जी पूरा पानी उड़ेल के जा रहे हैं, फिर उसके बाद से फिर दोबारा आ रहे हैं। मतलब कि उनको भी जाने का मन नहीं कर रहा है, और बरसात करने में उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ ठंडी ठंडी हवा, बारिश, और बारिश में पकौड़ी बन जाए तो क्या पूछना। लेकिन फ़िलहाल अभी देखिए मूड तो नहीं कर रहा है। और बारिश का पानी थोड़ा बंद हुआ तो दूसरे दिन मैं देखिए अभी चल रही हूँ उस घर पर, और आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर शाम को फिर बारिश शुरू हो गया, तो ऐसे ही बारिश का आना जाना लगा है। और देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। तो मैं गई इस घर पे, और पीछे देखिए पूरा का पूरा खेत एकदम भर गया है। और दोस्तों बता दूं कि पीछे जो खेत है ना, उसकी रुपया हो गई थी, धान की जो रुपया होती है वो मतलब लग गया था, लेकिन पानी की वजह से सब एकदम भींग, मतलब उसका जो ना पौधा था सब गल गया। तो देखिए छत पे आ गई, यहाँ पे जो है ना ये देखिए बोर्ड लग गया है और झिर्री कट गई है, और यहाँ पे पाइप लगाया जाएगा, बिजली का जो वायरिंग होगा वो मेरे घर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार है। और सावन का कथा हो जाएगा, उसके बाद से मैं भी देखिए उसी घर में जाऊंगी, या मेरा तो विचार है कि बारिश के बाद ही जाऊं, क्योंकि वहाँ भी पानी आ रहा है, भी मिस्त्री लोग आने वाले हैं, डेट दिए हैं, आ जाएंगे तो बना देंगे। तो सारा पानी ही पानी हो गया है एक दिन के बारिश में, तो मैं सोची चलो आपको दिखा देती हूँ। और मैं चल रही हूँ अपने घर छत पर, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ देखिए चिठानी के घर के पीछे से ये मैं दिखा रही हूँ, तो यहाँ देखिए सारा पानी दिख रहा है एकदम, जितना भी पेड़ पौधे हैं सबकी परछाएं उसमें दिख रही है, यानी सभी लोग नहा नहा के झूम उठे हैं। पेड़ हो, पौधे हो, इंसान हो, कोई भी हो, सब लोगों ने तृप्त किया अपने आप को गर्मी से। तो देखिए कितना सारा पानी, ये मैं छत पे आ गई हूँ अपने, तो वहाँ से मैं दिखा रही हूँ ऊपर से, देखिए इसका नज़ारा कैसा लग रहा है। और जहाँ जहाँ आप देखिए नज़र जा रही है ना, सारा पानी एकदम भर गया है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव ही डूब जाएगा और ऐसे कगार पे पहुंच गया है। और पीछे आम का जो पेड़ था मैंने आप लोग को दिखाया था पहले वीडियो में, तो वहाँ का आम का पेड़ जो है ना इतनी बारिश से सारा एकदम ढह गया है। जो पीछे का एक पेड़ था वो एकदम गिर गया है नीचे, एक तो अपनी जगह पे टिका हुआ है लेकिन दूसरा गिर गया है। और पीछे यहाँ देख, तो दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा हवा लग रहा है कि क्या बताऊँ, और घर में ना बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, घर में बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हवा चल ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम एसी जैसे फील हो रहा है कि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, इतना जोर हवा यहाँ पे चल रही है ज़ोरों से। और मैं इसीलिए इधर आ गई हूँ, अभी लाइट भी नहीं है, लाइट अभी आया है तो मैं घर पे जाऊँगी। तो देख लीजिए जो भी बना है अभी ऐसे ही हुआ है, ऊपर छत पे भी
जो सेटरिंग का काम हुआ था वो उसका जो बांस उस होता है वो हट गया है। बाकी अभी जहाँ तहाँ देखिए यहाँ पे बांस पड़े हुए हैं, अभी ये लोग ले नहीं गए हैं, जब भी ज़रूरत रहता है थोड़ा थोड़ा लोग ले जाते हैं। अभी सारा बांस पड़ा हुआ है, अभी जब ज़रूरत होगी तब ये लोग ले जाएंगे। बाकी का देखिए ये सब हट गया है, तो इसका नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक ऐसे बना, और लगातार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद से इतना सांस फूलने लगता है कि मतलब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान भी होती है। वीडियो बनाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ नहीं रही हूँ तो वीडियो भी अभी यहाँ नहीं बना पा रही हूँ। बाकी जब यहाँ रहने लगूँगी तो यहाँ कहीं मैं वीडियो डालूँगी। तो देखिए अभी यहाँ से भी कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे आने के बाद से फिर जाने का मन नहीं करता है, देखिए कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे वीडियो बनाने में क्या मस्त व्यू आएगा, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए दूर दूर तक इतना अच्छा मस्त व्यू आता है यहाँ का, क्या ही बताऊँ, बहुत ही हरियाली रहती है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों कितना मस्त नज़ारा यहाँ का है, देखिए हरा हरा पानी, हरा हरा पेड़ पौधा, और पीछे देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब पानी ही पानी है, हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि ये गांव है, शहर नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग दिखेगी। तो यहाँ देखिए मैं छत से अपनी ये वीडियो बना रही हूँ, और आज धूप निकल गया था तो इस वजह से मैं इधर आ गई हूँ वीडियो बनाने, और इधर भी पानी ही पानी लग गया है, पूरा बागीचा है आम का। हरियाली देखने के लिए तरस जाते हैं, ऐसी हरियाली जो गाँव में है वो शहरों में नहीं है। शहर में तो आप लोग देखेंगे तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आएगी, वो भी ऊँची ऊँची आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें नज़र आएंगी, वहाँ पे हरियाली इस तरह से नज़र नहीं आती है जो कि गांव में है। तो असली मज़ा जो है गांव में ही मिलता है। तो देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हैं बेसमेंट का पानी खाली हो गया है, और ये कहाँ गया ये मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक नाली बना हुआ है, एक गड्ढा है जिसमें कि मोटर लगा हुआ है, मोटर पानी में रखा गया है और यही पानी बाहर खींचकर पाइप के माध्यम से कर रहा है। तो काफ़ी पानी बरसने के बाद से किसान लोग भी थोड़ा परेशान हो गए हैं, खेती उनकी डूब जाएगी तो खाएंगे क्या, सभी किसान खेती पर ही निर्भर रहते हैं और उनका वही साल भर का अनाज जो होता है उपजा वही लोग खाते हैं। तो देख सकते हैं कितने लोग गांव से हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर ये वीडियो दोस्तों कई दिन का है क्योंकि लगातार 4-5 दिन तक पानी बरसता रहा, और उसके बाद बारिश हो रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई थी। तो सोची आज आप लोग को थोड़ा सा और वीडियो मतलब बारिश का जो पानी है उसका बना के फिर ये वीडियो अपलोड करूँगी, और गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है, फिर आप लोग के पास ये वीडियो जाएगी, आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को यहीं द एंड करती हूँ, और मिलते हो नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।